हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ सर्दियों के लिए मेकअप। सर्दियों में मेकअप करते टाइम किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए मेकअप, तो आपका जो मेकअप होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड जो ड्राई पैचेस आते हैं वो भी नहीं आएंगे और आपका मेकअप बिल्कुल नेचुरल एंड ग्लोसी दिखेगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेकअप के साथ मैं आपको एक हेयर स्टाइल भी शेयर करूंगी जो कि सर्दियों में हम लोग जैकेट वगैरह पहनते हैं तो अक्सर हेयर स्टाइल बनाने में हमको दिक्कत आती है और हमारे हेयर भी अजीब लगते हैं, तो आप ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मेरा न्यू चैनल है शॉर्ट वीडियो बाय प्रीत तिवारी, जिसपे मैं अपनी आवाज में मोटिवेशनल वीडियोज अपलोड करती हूँ शॉर्ट में। एंड सेकंड चैनल है प्रीत तिवारी 2, उसपे सिलाई से रिलेटेड वीडियोज अपलोड होते रहते हैं तो वहां पे भी जरूर जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो सर्दियों में आपको मेकअप करना है तो करना है, सबसे पहले अपने स्किन को अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद फिर टोनर, कोई भी अच्छा सा टोनर लेके टोनिंग करना है एंड देन मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग वाला स्टेप आपको बहुत अच्छे से करना है और बहुत अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना है एंड बहुत सारा मॉइस्चराइजर भर भर के लगाना है। बिंदी हटा देती हूँ, ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम विंटर में मेकअप शेयर कीजिए विंटर के लिए, तो ये मैंने नेचर्स का मॉइस्चराइजर लिया है सॉफ्ट स्किन के लिए। 5 सेकंड में ये एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। कोई भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो तो उसको एब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 मिनट तक, 1 मिनट तक या 30 सेकंड, थोड़ी देर में अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आपको अपना मेकअप स्टार्ट करना है। तो ये मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया है, इसको थोड़ा सा टाइम दूंगी ताकि मेरे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। बचे हुए प्रोडक्ट को मैं अपने हाथों वगैरह पे अप्लाई कर ले रही हूँ, तो मैंने लगा दिया है एंड थोड़ी देर इसको टाइम देंगे, उसके बाद से आपको नेक्स्ट स्टेप होगा। देखिए मॉइस्चराइजर मैंने बहुत सारा लगाया है ताकि जो भी हम प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करें वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए मॉइस्चराइजर से। सर्दियों का टाइम है तो आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, उसके लिए मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपको करना है प्राइमर। प्राइमर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, प्राइमर लगाना है आपको अपने फेस पे। अगर आपकी स्किन क्लीन है, बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैं प्राइमर यूज कर रही हूँ हुड्डा ब्यूटी का है एंड बहुत अच्छा है, मैं काफी लॉन्ग टाइम से इसको यूज कर रही हूँ। प्राइमर जो है वो हुड्डा ब्यूटी, सिस ब्यूटी एंड लैक्मे का, ये सारे प्राइमर्स मैंने यूज किए हैं, पर पिटनी के बहुत अच्छे हैं और लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। जहां भी आपके ओपन पोर्स आते हैं वहां पे आपको प्राइमर को अप्लाई कर देना, आपको मेरे फेस पे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही होंगी। अगर आपकी फेस भी इतनी क्लीन है तो आपको सिंपली आप डायरेक्ट अपना फाउंडेशन वगैरह अप्लाई कर देना, बट मुझे थोड़ा सा डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई करोगे जिससे आपके डार्क सर्कल अच्छे से हाइड हो जाए, बट मुझे उतना ज्यादा नहीं है तो मैं अभी अप्लाई नहीं कर रही। बट आपको अगर बहुत ज्यादा डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर लगाओगे, उसके बाद से अगर आपके स्किन पे कहीं पिंपल्स हैं जो रैशेज रेडनेस है उसके लिए आप ग्रीन कलर करेक्टर लगाओगे। ऑरेंज कलर करेक्टर ये एलिगर्स का है जो इस टाइप का आता है, और ग्रीन जो होगा वो, 1 सेकंड गाइस, अपने बॉक्स में से निकाल रही हूँ ग्रीन कलर करेक्टर। ये ग्रीन हो गया, ये रेडनेस एंड पिंपल्स के लिए यूज होगा, ये पिगमेंटेशन के लिए आपके इवन स्किन टोन को इवन करेगा। जहां पे भी डार्कनेस है, स्किन टोन इवन नहीं है, जैसे आईज के आसपास, माउथ के अराउंड ब्लैकनेस होती है, तो वहां पे आपको ये यूज करना है। देन ये अप्लाई करने के बाद से आपको अपने स्किन इसको हाइड करने के लिए स्किन से मैच होता हुआ ये प्रो कलर कंसीलर ही अप्लाई कर लेना है। और अगर आपकी स्किन मेरी तरह क्लीन है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन मैं यहाँ पे लैक्मे 9 to 5 का यूज कर रही हूँ, ये काफी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इतना सा मैंने फाउंडेशन लिया है। अगर आपको अपनी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करना है तो फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन पे मेकअप फिक्सर, ये मेकअप फिक्सर भी हुड्डा ब्यूटी का है, अप्लाई कर लिया। देन आप फाउंडेशन को अप्लाई करोगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है अगर मेकअप चाहते हो लॉन्ग लास्टिंग रहे और अच्छे से टिका रहे तो। ब्यूटी ब्लेंडर को गीला कर लीजिए, डायरेक्ट आईज के आसपास नहीं लगाना चाहिए, उससे जो हमारी लाइंस होती है वहां पे हमारा प्रोडक्ट चला जाता है और वो लाइन दिखने लग जाती है, तो नीचे से इस तरीके से
ब्लेंड करते हुए आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। अच्छे से ब्लेंड करना है। तो ये पूरा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है अपना कंसीलर। वन सेकंड गाइस, तो ये मेरा कंसीलर है, ये भी लैक्मे 9 to 5 का है और सबसे अच्छी बात की ये मॉइस्चराइजिंग है तो सर्दियों के लिए बेस्ट रहेगा। आईज के आसपास, आईज के जस्ट ऊपर, नोज पे, अपर लिप पे, ठोड़ी पे एंड यहाँ पे और इस तरीके से, और इसको कर लेना है ब्लेंड। तो ये मेरा जो कंसीलर है वो भी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, अपना आई मेकअप कंप्लीट करेंगे। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे आईब्रो को फिल करने के लिए ये वाला आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। और जब भी आप आईब्रो फिल करते हो तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आईब्रो को एक लाइन इस तरीके से बनाते हुए, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बिल्कुल बराबर से लेके जानी है लाइन को। ओके, अब इसको ब्लेंड करना है आउटर कॉर्नर पे, थोड़ा थोड़ा सा कलर अप्लाई कर लेंगे आईब्रो पेंसिल का। इसको ब्लेंड करने के लिए इस तरीके की ब्रश भी होती है, इससे आप इजीली ब्लेंड कर लोगे। तो इस तरीके से आप अगर आईब्रो फील करते हो तो बिल्कुल नेचुरल लुक आता है और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिखता। आप इनर कॉर्नर पे अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई कर दोगे तो वो नेचुरल लुक नहीं आएगा और अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आपको आउटर कॉर्नर पे प्रोडक्ट अप्लाई करना है और धीरे धीरे इनर कॉर्नर की तरफ लेके आना है। तो इस तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद आपको अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है एंड ब्रश की मदद से अपने मेकअप बेस को सेट कर लेना है। अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर जरूर लगाइएगा, उससे अगर आप वो नहीं लगाओगे तो आपका डार्क सर्कल हाइड नहीं होगा और वो बाद में ग्रे पड़ सकता है।
बेस को अच्छे से सेट कर लिया। अभी जो मैं आई मेकअप सेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही नेचुरल रहेगा, जो आप नाइट में डे में कभी भी यूज कर सकते हो। उसके लिए नेचुरल आई मेकअप लुक के लिए आपको यहाँ पे पिंक कलर का मैंने यहाँ पे शेड लिया है ये वाला, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकाल देना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेकअप किया हुआ है, तो अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फेस पे गिरेगा तो हमारा मेकअप जो है वो खराब हो सकता है। अब इसको आपको अपनी क्रीच एरिया पे इस तरीके से अप्लाई करना है, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक, क्रीच एरिया पे इस तरीके से अप्लाई करना है। दोनों आईज पे इसी तरीके से क्रीच एरिया क्या होती है, हमारी जो आईज की हड्डी होती है जस्ट उसके ऊपर, वहां से लेके ऊपर तक इस तरीके से आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक लेके आएंगे। ओके, पिंक शेड हमने अप्लाई कर दिया है, थोड़ा सा लाइट कलर का शेड लेके जस्ट उसके नीचे में इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, अपना आप चाहो तो कट क्रीज बना सकते हो। कट क्रीज के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, अगर कट क्रीज नहीं बनानी है तो उससे आप लाइट कलर का पिंक कलर का शेड लेके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकाल के इनर कॉर्नर से इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। बहुत इजी आई मेकअप लुक बता रही हूँ मैं ये, और बहुत आसानी से आप बना लोगे, बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है ये। इस तरीके से लगा लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, लो वाटर लाइन पे भी सेम जो आपने क्रीच एरिया पे अप्लाई किया था वही प्रोडक्ट अप्लाई करना है। लोअर टर्लाइन पे जरूर अप्लाई कीजिएगा, इससे आपका मेकअप अच्छा दिखता है। अब आपको व्हाइट कलर का सिल्वर कलर का आई शेडो लेके इनर कॉर्नर पे यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, इसके बाद आपको लेना है ग्लिटर, ग्लिटर अप्लाई करने के लिए इस टाइप का ब्रश आता है उस पर आपको ग्लिटर अप्लाई करना है। ग्लिटर मैं यहाँ पे लाइट पिंक कलर का शेड लगाऊंगी। थोड़ा सा डार्क कलर का पिंक शेड लेके आई लिड्स पे अप्लाई कर देंगे, और ऑलमोस्ट हमारा आई मेकअप यहाँ पे डन होने वाला है। इससे पहले आप थोड़ा सा ब्लैक कलर का शेड लोगे और आउटर कॉर्नर पे इस तरीके से अप्लाई करोगे। अब अपना अपना लाइनर मस्कारा काजल ये सारी चीजें अप्लाई कर लेनी है और बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा। इससे पहले आप अपना हाइलाइटर लोगे, या तो हाइलाइटर ले लो या फिर सिल्वर सिल्वर कलर का ही कलर पिक करके आईब्रो के जस्ट नीचे अप्लाई करेंगे।
और आपको लगे कि आपके फेस पे कहीं प्रोडक्ट गिर गया है तो आपको क्या करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है और इस तरीके से निकाल देना है प्रोडक्ट को। अब मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करूंगी। मस्कारा अप्लाई करने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल देना है और मस्कारा अप्लाई कर लेना है। उसके बाद से आईलाइनर अप्लाई करेंगे। लाइनर आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग लगाओगे, जितना चौड़ा पतला आपको चाहिए होगा। और इस तरीके से लगाने के बाद से आपको लो वाटर लाइन पे भी लाइनर अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो काजल होगा वो फैलेगा नहीं। ओके, अब हमको ब्लशर अप्लाई करना है और हाइलाइटर अप्लाई करना है। कई बार हमारा ब्लशर इस तरीके से लगाते लगाते बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे ज्यादा हो जाए तो आपको लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर, और कॉम्पैक्ट पाउडर को ब्रश में लेके जस्ट ब्लशर के ऊपर अप्लाई कर दो तो आपका ब्लशर भी कम हो जाएगा और बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, नेचुरल लुक आ जाएगी। उसके बाद हम लोग हाइलाइटर लेंगे और हाइलाइटर ब्रश की मदद से इसको नोज पे अप्लाई करेंगे। अगर आपने कट नहीं किया है नोज वगैरह तो सिंपल स्ट्रेट इस तरीके से हाइलाइटर को अप्लाई कर देंगे। अपर लिप पे, हुडी पे और फोरहेड पे। और मेकअप हमारा ऑलमोस्ट डन है, अब काजल अप्लाई कर लेते हैं और लिपस्टिक, एंड आपके साथ अपना फाइनल लुक शेयर करती हूँ। जो आपका लाइनर सूख जाए उसके बाद से आपको काजल अप्लाई करना है। उससे पहले अगर आप काजल अप्लाई करोगे तो आपका जो लाइनर है वो फैल सकता है, तो प्लीज वेट कीजिए कि अच्छे से सूख जाए, उसके बाद से आप काजल अप्लाई करोगे तो आपका जो काजल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, फैलेगा नहीं और मेकअप भी आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा लग रहा हो तो आप इस तरीके से कॉटन की मदद से इसको साफ कर सकते हो। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेके अपने आईज के नीचे इस तरीके से जरूर अप्लाई कीजिए,
मेकअप कंप्लीट होने के बाद। ओ सॉरी, उसके बाद आप लास्ट में मेकअप फिक्सर जरूर अप्लाई कीजिएगा। इससे अगर आपका मेकअप कहीं बहुत ज्यादा हुआ होगा या फिर सेट नहीं हुआ है तो थोड़ी देर बाद ये सेट हो जाएगा और आपका मेकअप बिल्कुल नेचुरल दिखेगा। तो अब मैं बिंदी लगाकर साड़ी पहन के आप लोगों के साथ फाइनल लुक शेयर करती हूँ।